नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस एचटीए पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं मैथ में क्लास 7 की बात करता हूं, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं त्रिभुज। और त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो क्वेश्चन इसके जो बनते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, और जिसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई की है। ओके, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई की है। मतलब सारी भुजाएं कितने कितने की है, ए ए सेंटीमीटर की या ए ए इकाई की है। ठीक है, चलिए, ये आपकी माध्यिका कह सकते हो या इसकी ऊंचाई कह सकते हैं आप, एच कह सकते हो आप। और यहां से आपका 90 बनेगा, और इस साइड में, और इस साइड में भी 90 अंश बनेगा। ओके, अगर मैं इसकी ए जो है, तो यहां से इस वाले पॉइंट से यहां तक की जो भुजा बनेगी ए बाय टू बनेगा। ओके जी, यहां पे ये जो शीर्ष से डाला गया ये लंब है, ये आपका एच है, और यहां से ये लंबार्धक, मतलब ये जो ये वाली भुजा है इसको आधा होता है। ठीक है, ए बटे दो हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, जहां पे ए आपका क्या है, जहां ए आपकी क्या है, भुजा है। ए आपका क्या है, भुजा है। ठीक है, और आगे है आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा, ए ए ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दो फैक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर हमें इस पे बात करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से जुड़ते हैं। पहला सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए यदि उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की हो। उसकी भुजा कितनी हो, 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 3/4 × 8 × 8। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 × 8 = 16। ठीक है, 16 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, 16 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्लियर, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले पे रखना है। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार दे रखा है 25√2 क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है क्षेत्रफल। एरिया कितना बताया गया है, क्षेत्रफल बताया गया है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा।
ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा यह चीज बताना है। तो आपका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा, 25√3, और आपका एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये क्षेत्रफल है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका क्या है क्षेत्रफल है, और ये भी आपका क्षेत्रफल है। दोनों मान आपस में हम क्या करेंगे, दोनों मान हम आपस में बराबर रख देंगे। ये इस √3 से ये वाला √3 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 25×4, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 5, इकरणी में आ जाएगा, ठीक है, इकरणी में आ जाएगा, ये चीज इकरणी में आ जाएगा, और इसको आप तोड़ के लिखेंगे तो 5 × कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 5 × 2, 5 × 2, 5 × 2 = 10। तो ए का जो मान निकल के आया, ए का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 10, और आपसे क्या पूछ रहा है 3 ए का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे 3 ए का मान पूछ रहा है, तो 3 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, आपका परिमाप आ जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये मैं मिटा दू आपको, ठीक है, ये चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 400√3 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या लिखना है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर, ये आपका कितना लिख देंगे, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल है और ये वाला भी क्षेत्रफल है, और ये किसके बराबर है 400√3 के बराबर है। यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप यहां पे लिख लेंगे, कितना लिखोगे ए स्क्वायर बराबर लिख लेंगे आप 400 × 4, और ए बराबर लिख लेंगे आप करनी में 400 × 4, इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 2, तो 20 × कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 40, ए का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा की माप है वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बताए इसको, क्वेश्चन नंबर चार है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। दे रखा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान आपस में समान हो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल समान हो, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई और परिमाप क्या होगा, ओके। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और उसका जो क्षेत्रफल है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, समान है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई और उसका परिमाप क्या होगा, ये चीज आपको, ऊंचाई और क्षेत्रफल इनके समान है, तो सबसे पहले हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग का क्या निकले ऊंचाई आ जाए, ठीक है। ये जैसे मान लो ये आपका ए, ये बी और ये सी, ओके। अब जैसे मान लो कि अगर मैं इसको 2a मान लूं, इसको भी 2a मान लूं, ये भी आपका क्या होगा 2a होगा, और a ये aa हो जाएगा, ठीक है, और ये ad है आपका, ठीक है। अब जो ad है आपका h है, ad बराबर कितना है h है, ठीक है। अब बताओ dc बराबर कितना है आपका, dc बराबर a है, ठीक है, और ac बराबर आपका क्या है 2a है, ठीक है। अब ये आपका एक
90 अंश का कोण है ये, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसकी बात करें तो आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका टू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही होगा ना। तो आप क्या करोगे यहां पे देखना, एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका तीन ए का स्क्वायर, ठीक है, और एच बराबर हो जाएगा करणी में तीन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए अंडर रूट तीन। एच का मान कितना निकल गया है, एच का मान ए अंडर रूट तीन निकल गया है, एच का मान कितना निकल गया है, ए अंडर रूट तीन निकल गया है। कह रहा है कि क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो देखना यहां पे, तो अंडर रूट तीन बटे चार, भुजा की वैल्यू कितना है आपकी टू ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमने कितना माना है टू ए, और बराबर कितना हो जाएगा ए अंडर रूट तीन, इस अंडर रूट तीन से ये अलग कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो चार ए स्क्वायर बटे चार बराबर ए, ठीक है, ये तो होगा ना आपका, ठीक है, इस चार से ये आपका चार कट जाएगा, ठीक है, और यहां पे ए बराबर कितना आ जाएगा आपका एक, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। और एक बात ये बताओ, ए क्या है आपका आधा है, और हमारी भुजा कितना है टू ए है, तो भुजा बराबर आपकी जो आएगी, टोटल भुजा बराबर जो आएगी वो कितना आ जाएगा दो गुणा एक बराबर दो, क्लियर। और भुजा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितना आएगी दो, दो सेंटीमीटर, भुजा की वैल्यू कितना आएगी दो सेंटीमीटर। और अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप आपका कितना होता है, परिमाप आपका कितना होता है, परिमाप आपका हो जाता है थ्री ए, ठीक है, परिमाप कितना होता है थ्री थ्री ए। तो जो आपकी भुजा है, भुजा भुजा का मान कितना आया टू, और तीन गुणे कितना हो जाएगा दो, तीन गुना छह, छह यहां पर लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हम डाल देते हैं, ठीक है, यहां पे परिमाप आपका कितना आया है, परिमाप आया है आपका होता है थ्री ए, ठीक है, थ्री ए का मतलब भुजा, ठीक है, ए का मतलब क्या भुजा, और थ्री का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो अगर एक भुजा की वैल्यू आपकी दो है तो तीन का गुणा दो पे करा दोगे तो कितना हो जाएगा छह सेंटीमीटर, तो परिमाप आपका छह सेंटीमीटर और भुजा कितनी आ जाएगी आपकी दो, इस तरह से आपको लगाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, आपको मैं अगले क्लास में इसी के आगे बढ़ाऊंगा, और समबाहु त्रिभुज के जितने क्वेश्चन बनते हैं काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।